नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो सबसे पहली खबर, 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर खत्म हुआ मतदान, शाम 5 बजे तक पड़े 94.32% वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। इसके साथ ही इस चरण में कुल 1204 प्रत्याशियों की किस्मत पर 33782 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गई। इस चरण में शाम 5 बजे तक कुल 94.32% मतदान हुआ। तो आइए जानते हैं तीसरे चरण के चुनाव की कुछ बड़ी बातें। तो सबसे ज्यादा 31 उम्मीदवार गायघाट सीट पर है, और सबसे कम 9 उम्मीदवार ढाका, त्रिवेणीगंज, जोकीहाट और बहादुरगंज में है। सबसे ज्यादा 44 सीटों पर राजद और 35 पर लोजपा लड़ रही है, तो भाजपा और जदयू 29-29, कांग्रेस ने 21 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। 33782 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 45953 बैलेट यूनिट और 33782 VPPAT का इस्तेमाल किया गया है। वोटर के लिहाज में सबसे बड़ी विधानसभा सहरसा है, यहाँ 3,70,000 वोटर है, जिनमें से 1,92,000 पुरुष और 1,77,000 महिला और 2 ट्रांसजेंडर वोटर है। और वहीं दूसरी तरफ वोटर के लिहाज में सबसे छोटी विधानसभा हाईघाट है, जहां 2,41,000 वोटर है, जिनमें से 1,27,000 पुरुष है और वहीं 1,14,000 महिला और 4 ट्रांसजेंडर है। अगली बड़ी खबर, बिहार में बनेगी तेजस्वी सरकार। आइए जानते हैं ABBC वोटर का पूरा एग्जिट पोल। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आने वाला है। चुनाव के रिजल्ट से पहले तमाम मीडिया संस्थान अपना अपना एग्जिट पोल बता रहे हैं। बिहार चुनाव में वोटिंग के बाद सर्वेक्षण के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जो लोग बेसब्री का इसका इंतजार कर रहे थे, आपको बता दें कि ABP न्यूज के एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। जी हां, ABP न्यूज के सी वोटर सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 108 से लेकर 131 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर NDA के खाते में 104 से 128 सीटें आती हुई दिख रही है। लोक जनशक्ति पार्टी को इस चुनाव में सिर्फ 103 सीट आने की उम्मीद है। इसके अलावा अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जाती हुई दिख रही है। अगली बड़ी खबर, टाइम्स नाउ सीवोटर के सर्वे में महागठबंधन को 120 व NDA को 116 सीट। जी हां, टाइम्स नाउ सीवोटर के सर्वे में किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन महागठबंधन को सबसे अधिक 120 सीटें मिल रही है। वहीं NDA को 116 सीट, LGP को 1 और अन्य को 6 सीट मिल रही है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। टाइम्स नाउ और सीवोटर के सर्वे में NDA यानी BJP, JDU और हम और VIP को 37.70% वोट मिले हैं। वहीं महागठबंधन यानी RJD, कांग्रेस और वाम दलों को 36.30% मत मिले हैं। वहीं LJP को 8.50% और अन्य को 17.50% मत मिले हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, मानसिक तनाव बढ़ा तो हो सकती है डायलिसिस। रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद की तबीयत में अचानक गिरावट आई है। डायबिटीज के मरीज होने के कारण उनके क्रिएटिनिन लेवल में अचानक वृद्धि हुई है। रिम्स में लालू प्रसाद का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद के मुताबिक अगर उनके स्वास्थ्य में ऐसे ही गिरावट जारी रही तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। रिम्स प्रबंधन की तरफ से इसकी जानकारी हाईकोर्ट को भी दी गई है। हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन से लालू यादव के स्वास्थ्य पर रिपोर्ट मांगी थी। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 819 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,21,811 तक पहुँच गई है। बिहार में फिलहाल 7,770 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में
एक बार फिर से सबसे ज्यादा 262 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर राज्य में 8 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1129 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 613 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। केबीसी में पहुंची बिहार की बेटी, शिक्षिका रूबी ने जीते 25 लाख। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने से सफलता निश्चित है। कुछ ऐसे ही विश्वास के साथ शिक्षिका रूबी सिंह आगे बढ़ी चली गई। प्राथमिक विद्यालय हरिपुर कोराहा कटिहार के शिक्षिका रूबी सिंह ने कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचकर साबित कर दिया कि सतत प्रयास जारी रहे तो सफलता निश्चित मिलती है। अक्टूबर में दूसरे सप्ताह में शूटिंग हुई थी और कार्यक्रम का प्रसारण 5 और 6 नवम्बर को किया गया। शिक्षिका रूबी ने बताया कि मेरे लिए हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का सपना 10 साल बाद पूरा हुआ। जीती हुई राशि से ससुराल में घर बनाऊंगी। इसके लिए रूबी सिंह ने देवर राजीव रंजन और पति राजकुमार सिंह ने हॉट सीट तक पहुंचने में मदद की। पटना के गंगा घाट पर होगा छठ, कमिश्नर के आदेश के बाद तैयारियां शुरू। कोरोना काल के बीच बिहार में चुनाव कराए गए, लेकिन छठ महापर्व के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि क्या इस बार पटना के गंगा घाट पर छठ पूजा का आयोजन हो पाएगा। पटना के गंगा घाट पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर कन्फ्यूजन अब खत्म हो गया है। छठ व्रती अब गंगा घाट पर छठ पूजा कर पाएंगे। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश के बाद अब छठ पूजा की तैयारी को स्वरूप देने का काम शुरू हो जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त में पटना के डीएम और नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि छठ महापर्व को आयोजन को लेकर गंगा घाट पर तैयारियां पूरी करें। कमिश्नर संजय अग्रवाल ने पटना के डीएम और नगर आयुक्त को दिए अपने निर्देश में कहा कि गंगा घाटों की साफ सफाई के साथ साथ यहां बैरिकेडिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो पाए, इस मुताबिक तैयारियां पूरी की जाए। मोतिहारी के लिए हटिया से खुलेगी आज ट्रेन, टिकट की बुकिंग शुरू। दीपावली छठ में बिहार के लिए चलेगी 1 दर्जन ट्रेन। जी हां, भारतीय रेलवे से ट्रेनों के परिचालन के अनुमति मिलने के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे ने दिवाली और छठ के दौरान भीड़ को देखते हुए कम से कम 13 ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 08007 हटिया बापूधाम मोतिहारी स्पेशल ट्रेन रविवार यानी आज से दिन में 2 बजे हटिया से रवाना होगी। इसके लिए शनिवार को टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। इस्लामपुर, पूर्णिया, कोट, दानापुर और पटना समेत कई जगहों के लिए ट्रेन शुरू की जा रही है। भारतीय रेलवे से जुड़े तमाम अपडेट खबरों के लिए आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहे। यूपीएससी मुख्य परीक्षा 8 जनवरी से 17 जनवरी के बीच होगी, जाने किस दिन कौन सा पेपर। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का शेड्यूल शुक्रवार को जारी कर दिया है। इसका आयोजन 8 से 17 जनवरी 2021 तक होगा। गौरतलब है कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को हुई थी, जिसका रिजल्ट 23 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ था। इसमें सफल स्टूडेंट 11 नवम्बर तक मुख्य परीक्षा के लिए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर भर सकते हैं। किस दिन किस विषय की परीक्षा होगी तो 8 जनवरी को निबंध, 9 जनवरी को सामान्य अध्ययन 1 व सामान्य अध्ययन 2, 10 जनवरी को सामान्य अध्ययन 3 व सामान्य अध्ययन 4, 16 जनवरी भारतीय भाषा व अंग्रेजी और फिर अंत में 17 जनवरी को वैकल्पिक विषय पेपर 1 व वैकल्पिक विषय पेपर 2 की परीक्षा होगी। 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक सिपाही परीक्षा, 15 नवंबर से डाउनलोड कर पाएंगे ई एडमिट कार्ड। जी हां, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही बोर्ड ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही चालक के पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षा 27 नवंबर से आरंभ होगी। विज्ञापन संख्या 04/2019 के तहत परिवहन विभाग में चलन दस्ता सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए 1 दिसंबर से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसी तरह विज्ञापन संख्या 02/2019 के तहत बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 दिसंबर से शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल में आयोजित की जाएगी। तीनों परीक्षा से संबंधित विस्तार से जानकारी चयन पर्षद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आवेदक अपना ई प्रवेश पत्र चयन पर्षद की वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 02/2019 के लिए ई प्रवेश पत्र 10 नवंबर से तथा विज्ञापन संख्या 03/04/2019 के लिए ई प्रवेश पत्र 15 नवंबर से डाउनलोड किया जा सकेगा।
दीपावली और छठ पूजा से पहले मिथिलांचल को बड़ी सौगात। दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए विमान सेवा आज से शुरू। जी हां, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा समेत मिथिलांचल के लोगों को दीपावली और छठ से पहले रविवार यानी 8 नवंबर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। रविवार से दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए 3 जोड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि फ्लाइट के ऑपरेशन शुरू होते ही दरभंगा इन तीनों महानगरों से हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। मीलों की दूरियां चंद घंटों में तय होगी। 20 सितंबर से ही रोजाना ऑपरेट होने वाली 3 जोड़ी फ्लाइट के लिए बुकिंग शुरू हो गई थी। 8 नवंबर को इन 6 फ्लाइटों में करीब 80-90% टिकट बुक हो चुके हैं। पर लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 27 नवंबर के बाद ही बाहर निकलने की उम्मीद। आपको बता दें कि दुमका ट्रेजी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। 27 नवंबर तक सुनवाई टली है। सीबीआई ने कोर्ट में सुनवाई के लिए वक्त मांगा था। अब दिवाली छठ से पहले लालू प्रसाद के बाहर आने की अटकलों पर विराम लग गया है। राजद नेता तेजस्वी ने कहा था कि मेरे जन्मदिन पर लालू प्रसाद जमानत पर बाहर आ जाएंगे और नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी। लालू प्रसाद के वकील ने याचिका के जरिए दलील दी है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में इन्होंने आधी सजा काट ली है, इस वजह से उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया जाए। बिहार में मौसम की बात करें तो 5 दिनों में 6 डिग्री गिरा न्यूनतम तापमान। दिन में भी मौसम हुआ सर्द। नवंबर महीना शुरू होते ही तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। इसकी वजह से रात के साथ अब सुबह शाम भी मौसम सर्द हो गया है। पिछले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं पर दिन में भी पारा 3 डिग्री गिरा है। इसके साथ पश्चिम की तरफ से 13-17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं की वजह से दिन में धूप होने के बाद भी तपिस कम रही है। इससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के अंतिम सप्ताह तक दिन और रात के तापमान में अभी 15-17 डिग्री के अंदर बना रहेगा। इससे रात में गलन का एहसास नहीं होगा, लेकिन रात में चलने वाली ठंडी हवा से मौसम शाम से लेकर दूसरे दिन सुबह तक सर्द ही बना रहेगा। आज के लोगों के लिए खुशखबरी है, दिवाली व छठ पूजा के लिए पटना से 5 जोड़ी ट्रेन और चलेगी। जी हां, दिवाली और छठ महापर्व में यात्रियों की सुविधा के लिए पहले से घोषित ट्रेनों के अलावा 5 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन होगा। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पर्व में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पटना से 5 जोड़ी समेत कुल 6 जोड़ी और ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। जानकारी के अनुसार धनबाद पटना पूजा स्पेशल ट्रेन 10 से 30 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन गाड़ी संख्या 13329 के मार्ग ठहराव व समय सारणी के अनुरूप चलेगी। वहीं पटना धनबाद स्पेशल 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक गाड़ी संख्या 13330 के अनुरूप चलेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच ही होंगे। वहीं बरकाकाना पटना पूजा स्पेशल 10 से 30 नवंबर के बीच चलेगी, जबकि पटना बरकाकाना पूजा स्पेशल 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। सिंगरौली पटना पूजा स्पेशल 10 से 30 नवंबर तक, जबकि पटना सिंगरौली पूजा स्पेशल 11 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच चलेगी। राज्य के लोग सावधान हो जाइए, पटना के कई इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। राजधानी पटना के कांकड़ बाग, शास्त्री नगर, मंदिरी, इंद्रपुरी, ट्रांसपोर्ट नगर, महेंद्रो आदि इलाकों में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं पटेल नगर, रूपसरपुर, आरपीएस मोड़ से भी डेंगू के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। यहां तक कि वर्तमान सिविल सर्जन के परिवार के एक सदस्य व पूर्व सिविल सर्जन व क्षेत्रीय अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर आरके चौधरी के भी डेंगू संक्रमण की चपेट में आने की बात विभाग के कर्मी कह रहे हैं। कई मरीज जांच कराने पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और निजी अस्पतालों व लैब में पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि बुखार से पीड़ित कई मरीज जब कोरोना के संदेह में अस्पताल जा रहे हैं तो उनको डेंगू निकल रहा है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब